मुरादाबाद जनपद में आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री विधायक संजय गर्ग ने शिरकत की। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने कहा कि सपा सरकार में ही व्यापारियों का हित सुरक्षित है, भाजपा सरकार ने तो व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम किया है। 2022 के चुनाव में व्यापारी सपा की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। समाजवादी व्यापार सभा का मंडल स्तरीय सम्मेलन शनिवार को मुरादाबाद जनपद के दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बतौर व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री संजय गर्ग पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। व्यापारियों के लिए अनावश्यक टैक्स के बोझ में दबा दिया गया है। बिजली का बिल बढ़ाकर भी व्यापारियों पर बोझ डालने का काम किया गया है। कोरोना काल के दौरान व्यापार चौपट हो गया, इसके बावजूद व्यापारियों ने टैक्स दिया, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब सपा सरकार बनने पर ही व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका व्यापार पटरी पर लौटेगा। व्यापारी इस समय पूरा हताश और निराश है और उसका व्यापार कम हुआ है, उसकी आमदनी कम हुई है, उसका खर्चा बढ़ा है और इस बात के लिए वो ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी पार्टी मानता था और ऐसे में जो लगातार पिछले 5 साल से हुआ है वो उसमें अब बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, उसका आत्मविश्वास जगा है परंतु वो डरा हुआ है। हम उसे इस बात के साथ कि समाजवादी व्यापार सभा हर बाजार स्तर पर जाकर व्यापारियों से बहस कर उनके जहनों को बदल कर समाजवादी पार्टी के प्रति उन्हें जोड़ने का काम करेंगे। देखिए जीएसटी से आम व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है, खासतौर से ग्रामीण व्यवस्था, छोटा व्यापारी और मध्यम श्रेणी का व्यापारी, उसकी कमर टूट गई है, उससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और उसने उसे तकनीकी कारणों में उलझाकर व्यापार से विरत करने का काम कर दिया है। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हिंदुस्तान की जीएसटी जटिलतम जीएसटी है, इसलिए उसमें बदलाव ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि अगर सुगमता के साथ व्यापार करना है तो 975 संशोधन अभी तक जीएसटी काउंसिल के द्वारा किए जा चुके हैं। ये तो बात 2022 में सामने आ जाएगी आपके कि व्यापारी खुश है नाराज है। हैं नहीं, समाजवादी पार्टी हमेशा से व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों के पक्ष में उन्होंने पहले अपने फैसले लिए हैं, उन्हें राहत देने का काम किया है और तब उस समय में भी हमने अपनी व्यापारी चौपाल लगाकर व्यापारियों से इस बात की सलाह ली थी और उन्हें इस बात के लिए ताकीद किया था, परंतु ये फैसला चूँकि अधिनायकवादी ताकतों से आपका मुकाबला है और हिटलरशाही के रूप में उन्होंने इस कानून को लगाने का काम किया है, इसलिए उस बात का भुगतान भी वही झेलने का काम करेगा। मेरा सवाल ये है कि अभी अजय कुमार नंदू ने बयान दिया है, उसने कहा कि अखिलेश यादव नज़र ही नहीं आते, कहीं पर दिखाई नहीं देते, घर से बाहर नहीं निकलते, क्या कहना है नहीं ये कोई हम उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है इस बात का सर्टिफिकेट देने की, ना ही कोई उनसे पूछ रहा है। अगले अच्छा इसके अलावा अभी दिल्ली का जो कलकांड रहा, न्यायालय में आए दिन दहाड़े गोली मार दी गई, एक बड़ा केस रहा, क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है। माननीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था कर उसे कंट्रोल करने का एक जरिया बनाया था, जिसमें मिनिमम टाइम में रेस्पॉन्स टाइम था उसका, परंतु इन्होंने उसकी